रानी, आज इस स्वर्णा नदी के किनारे पर उस परमपिता परमात्मा ने तुझे मेरी मदद करने के लिए यहां पर भेजा है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं रानी, मेरे इस घड़े को जरा सा हाथ लगा दे ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन क्यों रानी? क्योंकि अगर मैंने आपके घड़े को हाथ लगा दिया, सुनियो, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आप एक भंगी के घर पे नौकरी करते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पे नौकरी करती हूँ, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। अरे रानी, क्या तू इस बात को भी भूल गई? अरे मैंने सात फेरे लेकर तेरे को अपनी अर्धांगिनी माना था। औरत का लोगों सबसे बड़ा धर्म ये होता है, अगर विपता के अंदर पति हो उसकी मदद करना औरत का सबसे बड़ा धर्म होता है। क्या उस धर्म को तू भूल चुकी है? मैं किसी भी बात को नहीं भूली महाराज। आप अच्छे से जानते हो कि आपके इस धर्म को बचाने की खातिर हम माँ और बेटा काशी नगरी के बाजार में भी गए थे, वो भी मैंने अपना धर्म बचाने के लिए किया था। अरे रानी, ये तो सब समय समय की बात होती है भाई। सत की बांधी बंधे लक्ष्मी, मत ना छोड़ो सपने। लोगो इंसाना पे करा दिए जड़े के काम बखने। ये तो समय समय की बात होती है और मैं ज्यादा तेरे से कुछ नहीं कहूंगा रानी। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरे इस घड़े को जरा हाथ लगा दे। मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी। जरा मेरी बात सुन ले। कहिए। हर दिखे एक बैरानी घड़ा ठवा दे। नहीं हो, हाँ दिखे रहे एक बैरानी घड़ा ठवा दे। हरियो जाता को न्या खाया। हेर क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी, फिर जागी मेरी काया। कर घड़ा ठवा दूं पिया जी, फिर जागी मेरी काया। तू एक बैरानी खड़ा ठवा दे, एक बैरानी खड़ा ठवा दे। दिखे जाता को न्या खाया। लगा दिया तो मेरा धर्म खराब हो जाएगा। हाँ। ये बड़ी पवित्र नदी बह रही है, ये वर्णा नदी इतनी पवित्र नदी है, अगर इसके अंदर तू अपने हाथ धोलेगी, पैर धोलेगी, अपने शरीर को इस नदी के अंदर स्वच्छ कर लेगी तो तेरा धर्म वहां का वहां बचा रहेगा रानी। लेकिन महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी। एरी गड़ा ठवा के, गड़ा ठवा केरी हाथ धो लिए, के गट जागा तेरा। फिर तेरे घड़े के हाथ लगा दूं ते धर्म बिगड़ जा मेरा। हर दिखे धर्म कर्म की बाता कारणी, पट्या को न्या फेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मन लत्ते कपड़े ना पहरे, ना अन भंगी का खाया। हेरा एक जगह रहने ते
मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछो कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछो कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। नहीं जानती रानी, मैंने 21 दिन हो गए इनका टुकड़ा खाए हुए, मेरे शरीर के अंदर वो ताकत नहीं बची, मैं इस घड़े को नहीं उठा सकता। तेरा थोड़ा सा काम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, एक बार जरा सा हाथ लगा दे ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। लेकिन पियाजी, मैं आपके घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन एक विधि जरूर बता सकती हूँ। हेरी जाथर थोड़ा, जाथर थोड़ा का मतलब है शरीर के अंदर ताकत कम है। हेरी जाथर थोड़ा रोपो जा बारी, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। अरे कौन सी विधि बतावे रानी, वो भी भरम मिटा ले। तेरा जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका। जल में गोता मारण का तन ठीक यो जतन बताया। और परे न हो के ठाले, तू इतना दुख पाया, तू परे गड़ा ठवा दूं पिया जी, मेरे जागी मेरी काया। जल के अंदर गोता लगाइए, और यह स्वाभाविक बात है, जल में गोता लगाने से घड़ा अपने आप सर पर आ जाएगा। मेहरबानो, राजा हरिश्चंद्र जल के अंदर गोता लगाता है, मन में यह विचार बना लिया कि भाई रानी अब तेरी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकती। जल के अंदर गोता लगाता है राजा हरिश्चंद्र, वो घड़ा सर पर आ तो जाता है, लेकिन लोगों जब उस घड़े को लेकर वरना नदी से बाहर निकलता है तो एकदम से काया डामा दौड़ हो जाती है, एकदम से पैर कांपने लग जाते हैं और वो घड़ा सर से उतरकर वापस पानी में गिर जाता है। फिर जाता है अपनी रानी के पास में, आंखों में आंसू आ जाते हैं राजा हरिश्चंद्र के, भाव की बात होती है। जिस औरत को सात फेरे लेकर अपनी अर्धांगिनी बनाया, आज जब वक्त पड़ा, जब टाइम पड़ा, जब समय आया, तो वो मदद करने से इनकार कर देती है लोगों, अपनी रानी के पास में जाता है और क्या कहता है सुनिए नंबर 3 में क्या बताया। तू ते हाथ धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, चाहे ना लिए जल मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी, आई नहीं अकाल में। तू तो पखत पड़े पैरानी, पखत पड़े पर धोखा करगी, फरक आ लिया जल मैं। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पाले में।
समय के रखे लबावड़ी टड़ती फिरती छाया कहे सुने कि ना मानी तने रात पाठ खुसराया तू कर दड़ा ठवा तो प्यारी बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए ते हो जा सोच समझ के ओ साजन तू सुकर्म के फल बो जा जो नहीं अगत की बात बिचारे राह में कटे बो जा उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े मैं सो जा उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े मैं सो जा हर गुरु मान सिंह ने दुख विपता में गुरु मान सिंह ने दुख विपता में कितना क समय बिताया हेरा लक्ष्मी चंद ने वजन बना के सभा बीच में गाया क्यों कर गड़ा ढबा तो प्यागी जागी मेरी काया हेरा एक बैरानी खड़ा ठवा दे एक बैरानी